अस्सलाम वालेकुम गाइस, एंटोमोलॉजी का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंसेक्ट विंग्स एंड देयर टाइप्स। जिस तरह आपको पता है कि जो इंसेक्ट विंग्स है वो नॉर्मली जो है वो फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्लाई करते हैं इंसेक्ट से, और ये थोरेसिक रीजन्स में अकर करते हैं और में मोस्टली जो है वो टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। अब ये जो विंग्स है ये मुख्तलिफ किस्म की इसमें टाइप्स है, जिस तरह के मेम्ब्रेनस विंग्स है और स्केली विंग्स है और इस तरह और किस्म के विंग्स है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कौन कौन से विंग्स है इंसेक्ट में, उसकी टाइप जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। इंसेक्ट विंग्स एंड देयर मॉडिफिकेशन आर देयर टाइप्स, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं कि ये इंसेक्ट विंग्स आर एडल्ट और ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन दैट इनेबल इंसेक्ट टू फ्लाई। ये विंग्स की सिंपल डिफिनीशन है कि ये आउटग्रोथ है इंसेक्ट बॉडी से, जो कि इसके जरिए इंसेक्ट क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं जी। ये इन्हें फ्लाइट के दौरान जो है वो विंग्स इस्तेमाल होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द सेकंड एंड थर्ड थोरेसिक सेगमेंट्स। इससे पहले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जी ये जो विंग्स है ये फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट भी नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड जो थोरेसिक सेगमेंट्स है यानी मीजोथोरिक्स और मीटाथोरिक्स जो है वो ये स्ट्रक्चर की डिटेल मैंने आपको पिछली स्लाइड्स पे दिखाया था जी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में तो मीजोथोरिक्स और मीटाथोरिक्स पे ये इंसेक्ट के जो लेग्स है तो वो है। एंड द टू पेयर्स ऑफ एंड द टू पेयर्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द फोर एंड हाई हैंड विंग्स। यानी एक जो पेयर है वो एक को फोर विंग्स कहते हैं और दूसरा को जो है वो हाइंड विंग्स कहते हैं रेस्पेक्टिवली। दो इफ यू इंसेक्ट लेक हाइंड विंग्स इवन रुडोमेंट्स। रुडोमेंट्स आप जूलॉजी के, रुडोमेंट्स जो है वो आप जूलॉजी के स्टूडेंट अच्छी तरह समझते हैं कि जो फंक्शनलेस है, यानी या तो वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा रिड्यूस है कि वो जो उसका फंक्शन है फ्लाइट का वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इतनी वो रिड्यूस है। द विंग्स आर स्ट्रेंथन बाई ए नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स, ठीक है। ये अगर आप देख ले तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स है। देखो ये इसमें ये जो वेन्स आपको नजर आ रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स है। तो द वेन्स आर स्ट्रेंथन बाई ए नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स विच अपन हैव क्रॉस कनेक्शन दैट फॉर्म क्लोज सेल इन द मेम्ब्रेन। एक्सट्रीम एग्जाम्पल इंक्लूड द ड्रैगन फ्लाई एंड लेस विंग्स। ये आपको कह रहे कि ये इस तरह की लॉन्गिट्यूडल है और फिर उसको इस तरह क्रॉस करते दूसरे वेन्स, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो अचीव हो जाते हैं। The pattern resulting from the fusion and cross connection of the wing veins are often diagnostic for different evolutionary lineage and can be used for identification to the family or even genus level in many order of the insect. इस sentence का मतलब ये, इस ये जो paragraph है इसका मतलब ये कि जी ये जो pattern है मुख्तलिफ किस्म की, ये इस तरह longitudinal veins है और ये फिर इस तरह ये जो इसके दरमियान में सेल्स बनी हुई है, इसके बारे में कहते हैं कि ये जो फ्यूजन है क्रॉस कनेक्शन ऑफ द विंग वेन्स आर अपर डायग्नोस्टिक, यानी इसकी वजह से आप इंसेक्ट को डायग्नोस कर सकते हैं मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी लीनियज जो है, जो कि इसके पेरेंटल लीनियज है कि कहाँ से इनकी स्टार्ट हुई है। तो ये जो वेन्स है, ये जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है वेन्स की और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें, ये इनकी डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक है और ये इस्तेमाल होते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी जीनस लेवल तक इनकी आइडेंटिफिकेशन आप किससे करते हैं, आप विंग्स अगर इस्तेमाल करते तो विंग्स की इन्हीं स्ट्रक्चर से आप इसकी डायग्नोज कर सकते हैं। ये इंसेक्ट विंग टाइप्स में अगर आप इसकी डायग्रामेटिक वो देख ले तो ये उनकी डायग्राम है। ये देखो ये मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी है कि ये रेडियस है, मीडिया है, ये आप लोग इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं है। ये जो है ये जो ड्रैगन फ्लाई है कि ये कोस्टल मार्जन है, ये नोडस है, ये
स्टिग्मा है और ये पोस्टीरियर मार्जन है, ये आपको याद करने, और ये जो ड्रैगन फ्लाई की ये जो डायग्राम है ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर मार्जन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है देखो, ठीक है, और ये एपिक्स है, ये वाला हिस्सा, ये नोडस है, और ये टीरोस्टिग्मा। अगर आप ड्रैगन फ्लाई को देख लें तो ये इसमें एक ये प्रोमिनेंट निशान होता है, अगर आप उसको गौर से देख लें तो ये इसमें एक प्रोमिनेंट निशान होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टीरोस्टिग्मा। आगे जाती है कि जी इंसेक्ट विंग्स एंड देयर टाइप्स में मजीद अगर हम पढ़ते कि कौन कौन से, वो तो यहाँ तक तो आ गई, इसकी जो फंक्शन था कहाँ पे है, किस तरह है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उनका बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ गया। ठीक है, अब इनके टाइप्स पे जाते कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो टाइप में सबसे पहले स्केली विंग्स हैं। तो स्केली विंग्स मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि मॉथ्स और बटरफ्लाइज की जितनी भी विंग्स हैं वो स्केली विंग्स हैं। ठीक है, विंग्स आर कवर्ड विद स्केल दे विच आर यूनिसेलुलर पैटर्न आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल। स्केल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये जो स्केल्स है ये असल में स्केल ही का कलर है जो कि विच इम्पार्ट कलर टू द बटरफ्लाईज एंड दी मॉथ्स। और स्केल मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ है, आप जब बटरफ्लाई को पकड़ते हैं या किसी मॉथ को पकड़ते हैं तो आपके हाथ पे वो पाउडर नुमा शक्ल की जो बाकियात रह जाते हैं उसको असल में हम स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बटरफ्लाई या मॉथ के जो विंग्स का कलर है ये किस वजह से है, ये इन्हीं स्केल्स की वजह से है, और इस वजह से इनको स्केली विंग्स जो है वो कहते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट इन स्मूदनिंग द एयर फ्लो ओवर विंग्स एंड बॉडी। ठीक है, दे आल्सो इंसुलेट द इंसेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड। यानी ये इंसुलेशन का काम जो है वो इंसुलेशन का काम भी करते हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो ये ज़्यादा कोल्ड जो है वो इंसेक्ट बॉडी के अंदर नहीं छोड़ते, इन्हें इनको इंसुलेट करता है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि जी इसी में इंसेक्ट विंग एंड टेगमीना, कि जी टेगमीना कौन से टाइप्स ऑफ विंग्स है। तो टेगमीना जो है वो विंग्स आर लेदरी और पार्चमेंट लाइक, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दे आर नॉट यूजफुल फॉर फ्लाइट। टेगमीना कौन से विंग है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेदरी टाइप ऑफ विंग है, और जो कि कौन से इस इंसेक्ट में पाए जाते हैं, या ये काक्रोचेज में पाए जाते हैं या फिर ग्रासहॉपर में। ये देखो अगर ग्रासहॉपर या काक्रोच को आप थोड़े से करीब से देख ले तो ये इनका जो फ्रंट विंग है जो फोर विंग होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, यानी लेदरी किस्म का होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं टेगमीना। ठीक है, तो टेगमीना चूंकि ये सख्त लेदरी किस्म का है तो ये इसको टेगमीना कहते हैं, और इसी वजह से इस विंग्स को, इस टाइप ऑफ विंग को भी टेगमीना विंग्स ही कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि काक्रोचेज और उसमें ग्रासहॉपर में ये प्रोमिनेंट शक्ल होती है विंग्स की। उसके बाद जो जिनाब विंग्स है वो एलिट्रा विंग्स हैं। एलिट्रा विंग्स जो है फोर विंग्स ऑफ बीटल एंड वीवल्स। वीवल और बीटल के दरमियान भी मैंने आपको फर्क भी बताया था कि बीटल्स क्या है और वीवल्स क्या है। तो इनका जो फ्रंट विंग है, बीटल्स का जो फ्रंट विंग है या वीवल्स का जो फ्रंट विंग है, इसको आप यहाँ देख लिए, देखो किसी भी बीटल्स को आप देख लें तो इसमें दो टाइप्स ऑफ विंग्स होते हैं। एक देखो ये जो हार्ड टाइप्स विंग है, ये देखें ये, या ये जो पड़ा हुआ है, और इसके नीचे फिर दूसरा विंग होता है वो जो कि वो मेम्ब्रेनस होते हैं। तो ये जो फर्स्ट विंग है ये कौन सा विंग है, ये एलिट्रा विंग है असल में, यानी फोर विंग्स ऑफ बीटल्स एंड वीवल्स। और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो कौन कौन से कौन सा विंग्स है बीटल में। विंग्स इज हेवीली स्क्लूटराइज एंड थिक, स्क्लेरोटाइज एंड थिक, यानी ये स्केलेटन से भी स्क्लेरोइड से बनी हुई और थिक है। विंग विनेशन इज लास्ट। अब इसमें आपको देखो जिस तरह ये ड्रैगन फ्लाई में आपको विनेशन नज़र आ रही है, ये विनेशन ड्रैगन फ्लाई के उसमें नज़र आ रहे, आपको यहाँ ये विनेशन इसमें नज़र नहीं आ रही, यानी ये विनेशन इसमें एबसेंट है।
विंग इज टफ एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ये जो विंग है ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है क्योंकि ये टफ है. इसका फ्लाइट में कोई फंक्शन नहीं है, फ्लाइट में इनका कोई रोल नहीं है. ये सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, जो इसका हाइंड विंग है इसको प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट द हाइंड विंग एंड एब्डामन. ठीक है, इट इज़ नॉट यूज फॉर फ्लाइट. तो आपको ये बात रखनी चाहिए कि ये जो एलेट्रा है ये फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस हाइंड विंग एंड द एब्डामन इंस्टेड फॉर फ्लाइट. इन फ्लाइट दे आर किप्ट एट एन एंगल टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द हाइंड विंग्स. आपने बीटल्स को गौर से देखा होगा कि जब बीटल जो है वो फ्लाइट करते हैं तो इनके ये जो विंग्स हैं ये एक खास एंगल पे उन्होंने हवा में जो है वो स्टेबलाइज पोजीशन में रखे होते हैं. मतलब ये इनकी मूवमेंट जो है वो फ्लाइट के दौरान नहीं होती. सही है, किसी ने अगर गौर किया हुआ तो ये एक स्टेबल पोजीशन में फ्लाइट के दौरान होते हैं. ठीक है, और उस स्टेबल पोजीशन की वजह के लिए किस लिए रखते हैं, ताकि ये जो हाइंड विंग है इसको ये डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग फ्लाइट. यानी इसका जो फंक्शन है ये जो हाइंड विंग है जो मेम्ब्रेनस है ये चूंकि फ्लाइट में इस्तेमाल होता है तो ये ऊपर हो जाता है, ये जो हार्ड विंग है ये ऊपर हो जाता है और एक स्टेबल पोजीशन में आ जाता है. और ये जो मेम्ब्रेनस विंग है इसकी जो मूवमेंट होती है वो आसानी से होती है. उसके बाद जो है वो इंसेक्ट विंग टाइप है हेमी एलेट्रा. तो हेमी एलेट्रा की जो विंग्स है वो किस में है, वो बग्स में है. इधर तो इन्होंने मिसाल रेड कॉटन बग्स की दी हुई, ये रेड कॉटन बग है. लेकिन बग्स जितनी भी है, हेमोप्टेरा का जो ऑर्डर है इसमें जितनी भी बग्स है तो मेंबर है तो उसको बग्स कहते हैं. बग्स जितनी भी है तो उसमें हेमी एलेट्रा विंग्स है. तो हेमी एलेट्रा विंग्स सिर्फ ये है कि इसमें हार्ड विंग्स जो है वो हार्ड हाफ ऑफ द विंग जो है वो हार्ड है यानी लेदरी है जिस तरह के ग्रासहॉपर में, और हाफ विंग जो है देखो ये हाफ विंग जो है वो मेम्ब्रेनस है. ठीक है, द बेसल हाफ ऑफ द विंग इज थिक एंड लेदरी, द डिस्टल हाफ इज मेम्ब्रेनस. ये जो डिस्ट ये जो लास्ट वाला है इसको हम डिस्टल कहते हैं. तो ये डिस्टल हिस्सा जो है ये मेम्ब्रेनस विंग है. दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड नॉट इन्वॉल्व इन फ्लाइट. ये जो पोर्शन है ये जो हाफ पोर्शन जो है जो बेसल हाफ विंग का पोर्शन है ये प्रोटेक्टिव है, यानी ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता फ्लाइट में, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है. ठीक है, तो ये इंसेक्ट के विंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई इंसेक्ट के जो विंग्स है सबसे पहला कौन सा है. सबसे पहला जो स्केली विंग्स है जो कि मॉथ्स और बटरफ्लाई में कॉमनली होते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक ये है. फिर उसके बाद इंसेक्ट विंग्स एंड देयर टाइप्स में टेगमीना है. टेगमीना में आपको मैंने आपको बता दिया कि कॉकरोचेस और ग्रासहॉपर्स में नॉर्मली पाए जाते हैं, और ये दो जो दो विंग में से जो फ्रंट विंग है उसमें ये लेदरी किस्म का विंग्स है जो कि इनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है. इस तरह एलेट्रा के जो विंग्स है ये बीटल्स यानी कोलियाप्टरा जो ऑर्डर है इंसेक्ट का जिसमें बीटल्स और वीवल आ जाते हैं, ये उन बीटल्स और वीवल्स में ये विंग्स होते हैं और इनका काम भी फ्लाइट में इनका रोल नहीं है. इनका सिर्फ प्रोटेक्शन जो है वो एब्डोमेन और जो मेम्ब्रेनस विंग है उनकी प्रोटेक्शन है. और इस और सबसे आखिर में जो विंग टाइप है वो इंसेक्ट विंग्स एंड देयर टाइप में हेमी एलेट्रा है, और हेमी एलेट्रा वो विंग है जो कि बग्स यानी रेड कॉटन बग या जो हमारे पास दूसरे बग्स हैं हेमी एलेट्रा हेमीलाइट इस ऑर्डर के जितनी भी इंसेक्ट है जिसमें बग्स इंक्लूडेड है उसको हम कहते हैं हेमी एलेट्रा. इसके साथ ही हम अपना लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं. अगर कुछ